दोस्तों क्या आप भी अपने फ़ोन में इस तरह 3D एनिमेशन लगाना चाहते हो फ़ोन के होम बटन में, तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखते रहिए। बहुत सारे होम बटन मिल जाएगा। मैं एक ऐप के बारे में बताऊंगा जिस ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपको इस तरह 3D एनिमेशन आपको फ़ोन में लगाने के लिए बहुत सारे मिल जाएगा। तो वीडियो की लास्ट तक देखना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास जो बेल आइकन है उसे ऑल पे क्लिक कर दीजिए। अगर आप भी इस तरह एनिमेशन लगाना चाहते हो तो एक ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो वो ऐप कहाँ मिलेगा मैं लास्ट में बताऊंगा। तो ये अगर लगा देते हो तो आपके दोस्त या आपके फैमिली मेम्बर एक बार तो पूछेगा कि भाई तूने ये कैसा किया। और आप अगर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हो तो इस तरह एनिमेशन लगाने के बाद स्क्रीन रिकॉर्डिंग बहुत अच्छे लगेगा, और कोई अगर देखे तो वो एक बार तो पूछेगा भाई तूने ये कैसे किया। तो इसके लिए वो ऐप मैं ओपन कर लूँगा, कुछ सेटिंग करना पड़ेगा। तो जैसे ही वो ऐप इंस्टॉल कर लोगे कुछ इस तरह ऑप्शन दिखाएगा, देख सकते हो। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना, एक ऐड आए तो उसे स्किप कर देना, उसके बाद इधर थोड़ा एक ऊपर जो एक क्लिक रहे एक ऑप्शन रहेगा इसको आप ऑफ रहेगा तो आप इसको ऑन कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे ही ऑन करोगे उसके बाद इधर को बहुत सारी एनिमेशन मिल जाएगा, तो आप कोई भी एक चूज़ कर लीजिएगा। जैसे मैं एक चूज़ करके आप लोगों को दिखा देता हूँ, जैसे ये वाला आप चूज़ करना, ठीक है। चूज़ करके आप अगर एक एनिमेशन लगाना चाहते हो या आप बहुत सारे जो जितनी बार क्लिक करोगे वो डिफरेंट एनिमेशन लगाना चाहते हो तो आप रेडमी ऑल एनिमेशन पे क्लिक करना, ये जो नीचे देख सकते हो ये वाला, इसमें क्लिक कर देना। उसके बाद ये जितनी बार आप क्लिक करोगे उतनी बार वो चेंज होता रहेगा। तो आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर थोड़ा भी पसंद आया प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये ऐप कहाँ मिलेगा, सिंपल आप प्ले स्टोर ओपन कर लेना, ठीक है। प्ले स्टोर ओपन करके तो देख सकते हो इस वाले ऐप को आप ढूंढ के इंस्टॉल कर लेना है, जिसका लोगो इस तरह दिखाएगा और इसका नाम है कि नेबर एनिमेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।